स्टार्टिंग आपको ही करना है, स्टार्टिंग आपको ही करना है। मीडिया वालों थैंक्स कि आप लोग आए और फिर आपके इवेंट्स के बारे में बताना है कि ડિસેબલ બાળકો માટે આ એક ઇવેન્ટ યોજાઈ રહ્યો છે. એના મેઇન ઓર્ગેનાઇઝર છે આકાશ જાજુ ઓર સાથે હે મિતુલ શાહ એન્ડ અભિષેક અગ્રવાલ. તો ઇવેન્ટ કે બારે મેં આપકો સબ બતાયા કે આકાશ જાજુ અમારે સાથ સેલિબ્રિટીઝ ઉપસ્થિત હૈ. યે હે રાજુ રેન્ચો, આપ ઉનકો જાનતે હોંગે શાયદ. चैलेंज में आते हैं. अंबास के बाजू में है कमलेश भाई पटेल जो डीआईडी में आते हैं. उनके साथ में है सितेश भाई, वो भी डीआईडी में आते हैं. उनके पास में है करण खन्ना जो जस्ट डांस में परफॉर्म कर चुके हैं. और उनके साथ है शमिता रोय, वो भी जस्ट डांस में उन्होंने भी परफॉर्म किया है, उनमें परफॉर्मेंस करने वाली है. तो और अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं. दूसरी बात, ये इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो एक हम लोग ने कदम उठाया है कि विकलांग बच्चों के लिए हम कुछ हेल्प कर सकें. यंगस्टर्स यूजुअली आजकल देखा जाए तो डीजे पार्टीज में या फिर घूमने फिरने में इंटरेस्ट रहते हैं. हम लोग ने देखा कि अभी ऐसा बहुत हो गया कि यंगस्टर्स लोग यही कर सकते हैं, यंगस्टर लोग कोई अच्छा काम नहीं कर सकते. तो हमने जिम्मा उठाया कि हम ये इवेंट करेंगे विकलांग बच्चों के लिए, उनका बेटर लाइफ के लिए आगे. तो इसलिए हमने ये डिजेबल्ड वेलफेयर फंड इवेंट रखा है. ये इवेंट बेसिकली एक फंड रेजिंग इवेंट है जिसमें जो भी हम फंड रेज कर रहे हैं वो हम डिजेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है स्कूल है पिपलोद पे कनु भाई टेलर जाके ट्रस्ट, इसमें हम लोग ने डोनेशन के अलावा भी 10 व्हील चेयर मंगवाई है. 10 व्हील चेयर यहाँ पे हम जो 10 विकलांग है जिनकी सच में नेसेसिटी बहुत ज़्यादा है और जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जिनको व्हील चेयर की सख्त ज़रूरत है, उनके लिए हमने 10 व्हील चेयर का भी किया है और हम उनको 10 व्हील चेयर भी देंगे. और चाहे कुछ भी हो जाए 71 भले हमारा इवेंट हम इतना फंड रेज कर पाए हम नहीं कर पाए बट 71,000 रुपीज़ हम देंगे ही. एंड इनफैक्ट अगर इवेंट जैसे भगवान की तरफ से इवेंट काफ़ी अच्छा रहा तो हम और भी डोनेशन की कोशिश करेंगे 71,000 से ज़्यादा. और प्लस हमने दिन में अभी 12 बजे हम लोगों ने वहाँ पे खाना रखा था उन बच्चों के लिए, जिसमें हम लोगों ने 400 बच्चों को वहाँ पे खाना खिलाया और उनका वो लोग परफॉर्म करने वाले हैं आज रात शाम को इवेंट में परफॉर्म भी करने वाले हैं. तो वहाँ पे उन लोग परफॉर्मेंस में जो ड्रेसेस लगेगी वो ड्रेसेस भी हमने हमारी तरफ से उनको करवाई है. तो ये पूरी चीज़ है. सामने से मैं चाहूँगा कि आप अगर कुछ सवाल पूछे तो मुझे बताने में और सुविधा होगी, मज़ा आएगा. कैसा लगा सूरत? सूरत इसके पहले भी आया नहीं, उसके बारे में नहीं कह रहे हैं. सूरत में आने कैसा लगा? नहीं, वाकई अच्छा लगा. वो सूरत में इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ तो सूरत की जनता ऑडियंस को मैं पहले भी उनके सामने परफॉर्म कर चुका हूँ. वाकई बढ़िया ऑडियंस है, अच्छा लगा. करण जी, आप कुछ बताइए, आपको कैसा लगा सूरत? पहले तो मैं सूरत को नमस्ते कहना चाहूँगा. एंड मैं दूसरी बार गुजरात आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बड़ौदा गया था और आज सूरत आके फिर से मुझे वही एक फायर एक ड्राइव वापस आई है. नहीं नहीं करके कि एक बार तो ज़रूर आऊँगा यहाँ, हर साल विजिट करूँ. उसकी उम्र रहेगी 20, राइट 20. तो 20 साल की उम्र में हम लोग तो सिर्फ नाचते थे. और ये फंड है डिसेबल बच्चों के लिए स्पेशल, मैं डिसेबल नहीं कहूँगा, मैं इनको स्पेशल ह्यूमन बींग्स बोलूँगा क्योंकि वो लोग हमको बहुत कुछ सिखाते हैं. और हम लोग जैसे स्टार बन गए टीवी पर आते हैं, हम लोग पैसे चार्ज करते हैं जहाँ भी जाते हैं कॉलेज इवेंट्स में या वहाँ पर. मैं मेरी बात करूँगा तो मैं झगड़ा कर कर आया हूँ मुझे इधर आना है क्योंकि मेरी खुद की एक बहन है, माई कजन सिस्टर, वो स्पेशल है. और मेरे कमलेश भाई जो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, मेरे लिए, हम जैसे डांसर्स के लिए, तो मैं इसलिए आज यहाँ आया हूँ
सूरत में, क्योंकि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, एक फीचरिंग फिल्म बना रहा हूँ, मूवी बना रहा हूँ और खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ। उस मूवी का नाम है आई एम पॉसिबल और उसमें कमलेश भाई एक स्पेशल कैरेक्टर रोल कर रहे हैं। ये स्पेशल बच्चों के ऊपर है, उनके ऊपर बना रहा हूँ मैं मूवी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग उसको सपोर्ट करें, ये जल्द से जल्द आएगी शूटिंग। मैं चाहता हूँ कि सितंबर में स्टार्ट कर लूँ और 15 अगस्त या 26 जनवरी 2013 उसमें मैं रिलीज करूँ। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं, हमको उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये शो देखें और जो भी जनता आज हमको देख रही है, हमको सुन रही है, कितना भी हो जितना भी हो, अगर आप 1% भी करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट रोड नहीं बना रही, हम लोगों को क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी हो सके इन स्पेशल बच्चों के लिए कुछ करें और हम आपको बहुत सारी दुआएं मिलें। और मैं ये चाहता हूँ आई एम पॉसिबल एक ऐसा चीज़ में लेके आना चाहता हूँ कि जो भी पैसे मिलेंगे मूवी से वो पूरा ट्रस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। उनका भी हालत कुछ ऐसा ही है, तो मेरे लिए हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग के पास सब कुछ है, फिर भी हम लोग डांस करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की तरह स्पेशल नहीं है जिन लोगों के पास भगवान ने कुछ ना कुछ कमियां दिया है, लेकिन वो लोग हम लोगों से ज़्यादा स्पेशल है। तो इतना इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को, जैसे कमलेश भाई है इधर, आज हम लोग उनके पास कुछ भी नहीं है तो बहुत छोटा मायूस होता है खुद को। और मैं चाहती हूँ ज़िंदगी में अगर कुछ कमाऊँगी, मतलब कमा रही हूँ और ज़्यादा कमाऊँगी, तो मैं ज़रूर इधर आके फिर से सूरत आऊँगी और आके ज़रूर कुछ इन्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं कुछ चाहती हूँ इन लोगों के लिए करने के लिए, क्योंकि मेरा खुद का घर में है और मैं ये लोग बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो ऐसे सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। अपना सिद्धेश भाई है ऐसे और राजा भाई है, ऐसे लोगों को बुला के एक यंगस्टर के सामने एक मैसेज लाने का जो एक ट्राई किया है, और ये एक नोबल कॉज के लिए सो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है। ये मैसेज यही दिखाता है कि हमारे यंगस्टर को कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरी थिंग इज़ पॉसिबल। अगर शायद आप लोगों ने मुझे डांस रिनाउंस में देखा होगा कि लोग मुझे पहले कहते कि तुम विकलांग हो, तुम क्या कर सकते हो, तो यही लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता था कि अगर इंसान के पास पैर नहीं होता है, लेकिन वो बहुत कुछ आगे जा सकता है। तो मेरा यही संदेश था कि वी आर नॉट डिसेबल, वी आर डिफरेंटेबल। ये शो के थ्रू हम लोग यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर विल पावर हो तो बहुत कुछ आप कर सकते हो, बस इसके लिए आपके अंदर थोड़ा सा जज्बा चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे सेलिब्रिटी के साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। और दूसरी बात कि आकाश जाजू ये बहुत ही अच्छा यंगस्टर के लिए एक मैसेज देना चाहते थे, और मैं क्योंकि मैं खुद डिसेबल हूँ तो मैं भी बहुत प्राउड हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। दोपहर में भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके आए, बहुत ही मेरे ख्याल से सिद्धेश भाई की आँख में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि बहुत ही वो हार्ड टच है कि उन्होंने ऐसे बच्चों को देखे वहाँ पर, बच्चों के साथ सब लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया, उनके साथ कई कई बातें शेयर की। तो ये मैसेज कि ये शो के थ्रू आप जो जितना ज़्यादा प्रमोट करोगे हमारे समाज के लिए इतना भी बेहतर होगा, कि ये शो के थ्रू यही मैसेज पहुंचता है कि विकलांग लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पूरा समाज आप लोगों के साथ है, हमारे जैसे विकलांग को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, अगर आप एक हमें एक ऐसा मौका देंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और इसके साथ पूरा समाज हमारे साथ है। और जैसे सिद्धेश भाई ने अभी एक बात बोली कि एक पिक्चर लाना चाहते हैं, मूवी लाना चाहते हैं आई एम पॉसिबल, तो उसमें मैं थोड़ा सा अच्छा कैरेक्टर है मेरा, और मैं आप लोगों से यही उम्मीद यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करें, इतना आशीर्वाद दीजिए कि वो मूवी समाज के लिए एक इंस्पिरेशन साबित हो। और दूसरी बात कि इसमें जो भी हमारा कुछ जो भी फंडिंग होगा वो भी एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएगा, वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। અને ત્યાં એ લોકો જમ્યા નહીં પણ જમાડવામાં એ લોકોએ પીરસવામાં ને એ બધામાં એમણે ખાસ
મહેનત કરી બધાએ પીરસ્યું અને ખૂબ એન્જોય કર્યું છે. વેલ, કરણ શૌમિતા, શૌમિતાનું ગુજરાતી બહુ સુપર્બ છે, એ સુરતને સુરાટ કહે છે. વેલ, હું રાજાજીને રિક્વેસ્ટ કરું છું, એક શાયરી જો રેન્ચો કહેશે તો મજા પડી જશે. થેન્ક યુ. સબસે પહેલે મુજે બોલને કા મોકા દિયા થા કે સામને સે સવાલ આયેંગે. મેને કહા સુરત બહોત આપકા અચ્છા લગા, લેકિન મેરે સાથી જો કલાકાર હૈ ઉન્હોને બહોત અચ્છા બોલા, તો મેં ભી ચાહુંગા મેં ભી કુછ બોલું. પહેલે તો મેરે સાથી કલાકારોં કે સાથ મુજે કામ કરને કા પ્રોગ્રામ કરને કા મોકા મિલા, ઇસકે લિયે મેં મેરે સાથી કલાકારોં કા બહોત બહોત ધન્યવાદ કરતા હું. और साथ ही साथ आकाश जाजू जाजू के जाजू जाजू नहीं है जाजू तुम कभी जाजू मत जाजू जाजू इनके साथ फर्स्ट शो है और मेरी शुभकामनाएं हैं और इन्होंने इस शो के लिए हमें चुना, इसके लिए शुक्रिया. अरे प्रोग्राम करने के लिए शायरी तो है. सॉरी सॉरी. तो रेंचो यार, मैंने सुना है कि तुम अच्छी शायर हो. बिल्कुल अच्छी शायरी करता हूं. ऑटो यार वो फोटो ले रहे, फोटोग्राफर है, शेर नहीं है. यार तुम बात घुमा मत, शायरी बोलो. दूर से देखा तो शेर आ रहा था. दूर से देखा तो शेर आ रहा था. वाह क्या बात है. आगे. दूर से देखा तो शेर आ रहा था. वाह बहुत बढ़िया. आगे. दूर से देखा तो शेर आ रहा था. अरे यार दूर से देखा शेर आ रहा था, दूर से देखा शेर आ रहा था, दूर से देखा शेर आ रहा था. आगे तो बोल. आगे क्या. आगे मैं गया ही नहीं ना. और इससे भी अच्छे परफॉर्मेंस होंगे. मेरे साथ साथ मेरे साथी कलाकार भी हैं जिनको मैंने अब तक टीवी पे देखा था, लेकिन आज इनका भी परफॉर्मेंस होगा होगा दुआदार, तो आप ज़रूर आइएगा. और जैसे इन फिल्मों के बारे में कहा है, इन नथिंग इज़ पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, तो ये सुनकर वाकई मुझे भी अच्छा लगा. लेकिन इस फिल्म को भी आप ज़रूर सपोर्ट करें और इस फिल्म के लिए मेरी शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. क्योंकि मैं जानता हूँ जिस तरीके मेरा पहला इवेंट था, जिस तरीके से मैं कंफ्यूज हो रहा था अपने आप में और मैं डेट्स को अच्छे से सेटल नहीं कर पा रहा था, जिस तरीके से इन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और कभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि सर ये डेट नहीं तो ये डेट होगी, तो चाहे कुछ भी हो जाएगा ठीक है तू कर, हम तेरे साथ हैं, तू दो डेट्स बोलेगा हम आएंगे. कमलेश सर का तो इनफैक्ट आज कोई प्रोग्राम था लेकिन फिर भी उन्होंने वो प्रोग्राम को कैंसिल किया, बोला कि नहीं मैं इस इवेंट में आऊँगा, तू टेंशन मत ले मैं तेरे साथ हूँ. तो मैं सबका सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ. सिद्धेश सर का भी इतना, मतलब सिद्धेश सर का भी शूटिंग का शेड्यूल था लेकिन बोला नहीं तू इवेंट का आऊँगा. करण सर का भी वो भी था, शौमिता मैम का भी वो था. शौमिता मैम कोलकाता से आई इस इवेंट के लिए. राजा सर को इतनी प्रॉब्लम्स आई उनके मेरी वजह से प्रॉब्लम आई लेकिन फिर भी उन्होंने ये इवेंट में साथ दिया, तो सबका शुक्रिया अदा. थैंक यू सो मच फॉर दिस. और दूसरी मैं बहुत अपने आपको आभारी मानता हूँ कि मैं थैंकफुल मानता हूँ कि सबने मेरा नाम लिया कि मैं ये कर रहा हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इवेंट में अगर मेरा साथ अभिषेक अग्रवाल और मितुल शाह ने नहीं दिया होता तो मैं ये पूरा का पूरा इवेंट कर ही नहीं पाता. तो मैं स्पेशल थैंक्स इन दोनों को, अभिषेक को और मितुल को देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके सपोर्ट से और बाकी आप लोग सब तो हैं ही और इन सेलिब्रिटीज के सपोर्ट से ही आज ये इवेंट हो रहा है. और आज शाम को मैं चाहता हूँ आप सभी आइए, सपोर्ट कीजिए और इस शो का आनंद लीजिए. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मेरे जो बड़े पापा हैं रामोदार जी जाजू और मेरे पापा रामविलास जाजू, वो हमेशा बोलते थे कि अपन तुमको सब कुछ फैसिलिटीज़ मिली है, तुमको सब फैसिलिटीज़ मिली है लेकिन तुम क्या क्या रहे हो, तुमको पिक्चर देखना पसंद है, तुम्हें ऐश करना पसंद है, उनको देखो जिनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, उनको देखो जो ये सब कुछ कर. पापा बोला तू एक बार जा चल मेरे साथ. तो मैं पापा के हाथ से 2 साल पहले वो ट्रस्ट में गया था, वो स्कूल में गया था, डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे खाना रखा था मेरे पापा की 25th एनिवर्सरी थी, तो उनको देखा तो आंखों में से आंसू एक सेकेंड में निकल गए. और उस दिन मैंने ठाना था कि मैं इवेंट मैनेजमेंट का हमेशा शौकीन था और मैंने सोचा ही था कि मैं करूँगा, लेकिन उस दिन मैंने ठाना था कि जिस दिन मैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट की स्टार्ट करूँगा पहला इवेंट मैं इन बच्चों के लिए ही करूँगा. और वो प्रेरणा उनको देख के ही मिली, उनको देख के, उन बच्चों को देख के, 400 बच्चों को देख के जो वो कर रहे हैं, हम पूरा शरीर होने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं कर सकते जो बच्चे वहाँ डिसेबल्ड होने के बावजूद भी कर रहे हैं. तो उनको देख के जो शक्ति मिली मेरे को वो 2 साल तक मेरे अंदर जिंदा थी. और मैं सोच के रखा था कि जिस दिन मैं पहला इवेंट करूंगा, जिस दिन भले मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी को भी बुलाना पड़े, बट मैं पहला इवेंट इन लोगों के लिए ही करूंगा, ताकि शुरुआत अगर अच्छी होगी तो अंत तो अच्छा होता ही.
जितना मैक्सिमम फंड हम इकट्ठा कर सके उतना कर रहे हैं। एक्चुअल आज के डेट तक कितना हुआ है टोटलिंग तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, बट आई कैन टेल यू कि एक सफिशिएंट अमाउंट वी हैव, बट आई कैन डू द एग्जैक्ट फिगर राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो, मेरा हिसाब जो है वो हम लोग कर रहे हैं, माय अकाउंटिंग इज डूइंग दैट। यामिनी मैडम का मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि बिना सोचे बिना समझे मतलब एक ही बार मैं ऑफिस में गया था यामिनी मैडम के पास कि सूरज चैनल का सपोर्ट चाहिए, यामिनी मैडम ने बोला तू बस तूने बोल दिया अब आने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे ऑफिस में अब तू सब अपनी डिटेल भिजवा दे और मैं चालू करवा देती हूँ। तो यामिनी मैडम थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी प्लानिंग यही हिसाब से चल रही है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक एनजीओ खोलूँ इंस्टीट्यूट खोलूँ जिसमें कुछ कुछ स्टार्टिंग में दो तीन बच्चे पहले दो तीन बच्चों का जो भी जिम्मा है इनकी दवाई का खर्चा हुआ या उनका पढ़ाई का खर्चा हुआ वो मैं कोशिश करूँगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ मैं करूँ जिसमें मैं उन बच्चों के लिए पहले 2 से शुरुआत करूँगा फिर 3 फिर 10 फिर 15 ऐसे करते करते मेरी चीज प्लानिंग है। और दूसरे ऐसे इवेंट्स में लाते रहूँगा, आज डिजेबल के लिए किया, डिजेबल के अंधे होते हैं डेफ होते हैं सबके इन सब लोगों के इवेंट्स करते रहूँगा हर 6-8 महीने में ताकि जितना ज़्यादा फंड मैं रेज कर सकूँ और जितना ज़्यादा इन लोग की इनका हेल्प कर सकूँ उतना मुझे आशीर्वाद मिले। आप भी जानते हो कि ऐसे को इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ पैसे लगते हैं या ये पूरा फंडिंग होता है वो किस तरह कलेक्ट करते हो या किस तरह मैनेज करते हो? उसमें पहली बात तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, विदाउट सपोर्ट ऐसे कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली सपोर्ट या कोई भी सपोर्ट तो उनके थ्रू लोगों से मिलना होता है, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं तो बात करते हैं कि ऐसा ऐसा इवेंट कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं और फिर उस तरह से हम लोग फंड रेज करते हैं और फिर हम ये इवेंट करते हैं। वो मेरे पापा के बहुत क्लोज थे पहले से ही क्योंकि कमलेश सर ने हमारे महेश्वरी समाज में बेसिकली हम महेश्वरी तो हमारे महेश्वरी समाज में कमलेश सर ने बहुत परफॉर्मेंसेस किए थे मेरे बड़े पापा की एनिवर्सरी मेरे कमलेश पटेल बड़े पापा के एनिवर्सरी में भी और मेरी भतीजी की बर्थडे पे आए थे, इन्होंने परफॉर्म किया था तो हमारा फैमिली रिलेशन काफ़ी अच्छा था। तो कमलेश सर को मैं जानता था तो कमलेश सर के थ्रू ही मैं सिद्धेश जी से मिला और करण जी से शौमिता जी से राजेश जी से कमलेश सर के थ्रू ही मेरा सब कुछ काम है। सभी भागते दौड़ते रहते हैं कभी रिलैक्स नहीं हो पाते तो आज शायद आपको एक बहुत प्यारा मौका मिला है जब आप रेंचो को एंजॉय कर पाएंगे। मैं स्पेशली रेंचो का फेवर कर रहा हूँ, रेंचो को देखने के लिए तो स्पेशली आप बच्चों के साथ आए और एंजॉय करें शो का। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैंने रेंचो की बात की नहीं पता है मतलब रेंचो की तरफ से बोला है, रेंचो कह रहा है कि मैं डुबके को भी नहीं भेजा सकता तो थैंक यू। खा गया साउथ इंडिया यूनिवर्सिटी में जो नया अभी ऑडिटोरियम खुला है वहाँ पे ये प्रोग्राम है, शाम को 7:30 बजे से प्रोग्राम चालू किया जाएगा और 11:30 तक ये प्रोग्राम चलेगा। सर देखिए अगर भारत का हर कोना प्रगति नहीं करेगा तो भारत नहीं, तो वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि गुजरात इसके पहले मैं राजकोट गया था 2 दिन पहले, वहाँ पे मैंने इतना टैलेंट देखा जो मुंबई में नहीं है क्योंकि मुंबई नगरिया में बाहर से लोग आते हैं वो नकली बनते हैं। तो सूरत का टैलेंट, मैं सूरत पहली बार भी आ चुका हूँ, बहुत बार आ चुका जब मैं बैकग्राउंड डांसर था। तो ये मूवी जो मैं स्क्रिप्ट है आई एम पॉसिबल मैं 3 साल से लिख रहा हूँ, 3-4 साल हो गए और आज जाके मैं अटक गया हूँ कि ये मुझे करनी है। और सूरत का जो भी टैलेंट मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ौदा में शूट करूँ, मैं चाहूँगा सूरत में शूट करूँ क्योंकि मुझे यहाँ का जो मॉब है क्राउड है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगता है क्योंकि टैलेंट यहाँ पे बहुत है पर यहाँ पे जो द्रोणाचार्य लोग हैं जो हमारे गुरु हैं वो थोड़े गलत हैं, इसलिए ये टैलेंट मुंबई तक नहीं पहुँच पा। तो यही चीज़ कहूँगा, मैं मुंबई मेरी कर्मभूमि है जन्मभूमि है, मैं बेसिकली गोवा का हूँ तो मैं भी बाहर का ही हुआ। तो गुजरात का जो है टैलेंट अभी से गुजरात मोस्ट प्रॉब्लम बिकॉज बहुत है, गुजरात से कमलेश भाई प्रिंस बना, धर्मेश बना और आगे लोग बनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं मैंने प्रॉमिस भी किया जब मैं राजकोट गया था वहाँ पे प्रॉमिस किए इस सारे बच्चों को मेरे पिक्चर में एक सीक्वेंस जरूर। अच्छा हमारे सर जी जो मेरे लेफ्ट में बैठे वो तो है ही है, एक छोटा सा कैरेक्टर है छोटा लड़का है वो एक्चुअली ब्लैक है निग्रो है आप समझ सकते हैं, भारत साउथ अफ्रीकन है या आई डोंट नो पर वो गुजराती बोलते हैं आप समझ सकते हैं।
तो मैं उसको लेना चाहता हूँ मेरे मूवी में। और बट ऑफ अगर कोई बाहर का देश का लड़का गुजराती बोलेगा तो उससे बहुत बड़ी बात है। पूरा गुड राइट सुबह से कभी तक का अच्छी पैकिंग।